समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सभी की भावना थी कि मैं यहां से समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मुझे यहां से आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है पूर्ण तरीके से लोग मन बना चुके हैं, और जो है वोट की बात कहूँ तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया, जो वादे हमने किए, हमने जनता के बीच में जा करके उनको पूरा किया और समय अंतराल से पहले पूरा किया। बहुत लोग कहते हैं कि जो है चुनाव खत्म होने तक काफ़ी चीज़ें करें, पर हम लोगों ने शुरुआती ही दौर में, जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार टर्म वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए तो वो सेलेक्ट में वैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया, और लगातार 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लगातार फील्ड में रहता है। जहाँ तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है। तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में, और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पर मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है, या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। अभी नामांकन करके आया हूँ, मुझे याद आ रहा है, मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूँ। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का, कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा।